तो भाई लोगों, आज का गेम प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज टीम रोमन फेस करने वाली है टीम लेजेंड्स को, तीन ऐसे लेजेंड्स जिन्होंने WWE में अपना नाम कमाया है। तो चलो गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टीम लेजेंड्स टीम रोमन को हरा पाती है। उम्मीद तो मुझे कमी है क्योंकि टीम रोमन अनडिफिटेड रही है, बाकी देखते हैं। टीम लेजेंड्स भी कम नहीं है, तीन ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्होंने WWE में शोहरत कमाई है। तो दो दो फिनिशर ऑलरेडी हैं सभी के पास। WWE 2K23 में आपका स्वागत है। और आते ही आते ए, फर्स्ट ए लगा दिया जॉन सीना ने। जॉन सीना अगर आते ही आते ए लगा देते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बेटर ही रहता ओवरऑल फाइट में गोल्ड। लेकिन सामने ये भी देखना है कि है कौन, सामने गोल्डबर्ग है जिन्होंने अच्छे अच्छे को पछाड़ा और ब्रॉक लेसनर जैसे को उन्होंने पानी पिलाया। ब्रॉक लेसनर को तो उन्होंने इस तरीके से धूल चटाई थी जो पूरे WWE पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया था। ब्रॉक लेसनर के फैंस तो बिल्कुल रात को नींद आना बंद हो गई थी जिस तरीके से गोल्डबर्ग ने ब्रॉक को हराया था। और जो सीना सेकेंड ए के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन रिवर्सल कर दिया और बस गोल्डबर्ग एक जैक हैमर लगाए तो वो भी फिनिशर की स्टार्ट हो जाए। नीचे अलग फाइट हो रही है, खेन मारने गए थे और एक जैक हैमर आया है क्या? जी हाँ, पहला फिनिशर आया है गोल्डबर्ग की तरफ से। जॉन सीना को जैक हैमर लग गया। जॉन सीना के सारे फिनिशर चले गए क्योंकि सिग्नेचर भी है नहीं सीना के पास। रिवर्सल किया और केन क्यों खड़े हैं फाइट में? केन क्या कर रहा हो भाई, तुम रिंग में क्या कर रहे हो केन भाई? कोई पता नहीं है केन को, सीना ने पकड़ाया तो मारने पिटने के लिए खड़े थे क्या इतनी देर से? सीना केन पता नहीं कर क्या रहे थे रिंग में। गोल्डबर्ग वापस क्लोज लाइन लगाया है सीना को। सीना टैग ही दे दो भैया, तुम्हारे पास कोई फिनिशर तो है नहीं, टैग दे दो। रॉक आ चुके हैं, द रॉक ड्वेन जॉनसन को तो पूरी दुनिया ही जानती है। WWE के बाद हॉलीवुड में भी बहुत नाम कमाया द रॉक ने। ऐसी ऐसी मूवीज दी है जिनके कुछ कहने नहीं, गजब मूवीज दिए। सीना कुछ करो सीना, और डंडेबाजी होने से पहले सीना ने डंडा फेंक दिया। ओ भाई साहब, मैंने कह दिया सीना का परफॉर्मेंस अच्छा था, सीना सुपर ए के लिए जा रहे हैं। अगर रिवर्सल नहीं हुआ तो रॉक पे बहुत भारी पड़ेगा सुपर ए। रॉक रिवर्सल करो, नहीं किया और सुपर ए लग चुका भाई साहब। बड़ा तगड़ा मूव बैठता है, ये स्टंट हो गए। लेकिन पिनफॉल तो नहीं होने वाला था क्योंकि अभी तक रॉक की बॉडी और येलो हुई है केवल। गोल्डबर्ग बीच में आया और पिटके जा रहे हैं और ड्रॉप किक लगा दिए। सीना तो गजब परफॉर्म कर रहा है भैया। सीना लीगल प्लेयर को मारो, पावर बॉम्ब लगा दिया गोल्डबर्ग को, मतलब बेली टू बेली लगाया रॉक ने। मतलब लीगल प्लेयर को तो मार ही रहे हैं, कॉर्नर वाले टीममेट्स को भी मार रहे हैं। सीना डोमिनेट कर रहा है, ब्रॉक लेसनर का तरीका अपना रहे हैं। अच्छा, रोमन को टैग दिया और आते ही आते रॉक बॉटम लगा दिया। भाई साहब, रोमन रेंज एलिमिनेटेड, व्हाट द हेल इज हैपेंड? और बल्कि द रॉक को एक सुपर ए लग गया, F5 लग गया, उसके बाद भी एलिमिनेट नहीं हुआ है और रोमन रेंज एक ही रॉक बॉटम में एलिमिनेट हो गए। क्या हो रहा है? मतलब क्या कोई ग्लिच था, क्या था पता ही नहीं चल पा रहा। चलो, द रॉक ने रिवर्स किया और फिर से अच्छा रॉक बॉटम ब्रॉक को भी लगा, लेकिन ब्रॉक एलिमिनेट नहीं हुए। रोमन रेंज कैसे एलिमिनेट हो गए यार? कोई गलती हुई है, कोई गेम में ग्लिच हुआ है, क्या हुआ है? चलो, ओवरऑल एलिमिनेट तो अब हो ही गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते। भाई रेफरी को क्यों मार रहे हो जॉन सीना? वो बेचारी रेफरी ने तुम्हारा क्या, उसकी गर्दन टेढ़ी है बेचारी, कहाँ देख रही है? कहाँ पिनफॉल कराने की सोच रहे थे रॉक? यार कुछ नहीं होने वाला है पिनफॉल, ब्रॉक लेसनर को कहाँ कोई करा पाया, एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। कोई फिनिशर नहीं बचा रॉक, यार सिग्नेचर बचा है, टैग दे दो ले तो लेसनर डोमिनेट कर लेंगे पूरी टीम को ही। सीना वापस आ गए, आज सीना को मौका ज़्यादा मिला लड़ने का। क्या रॉक ने टैग दे दिया था क्या गोल्डबर्ग को?
गोल्डबर्ग ने रिवर्सल किया, सीना जाने क्या कर रहे थे। एक जैक हैमर और आ जाए गोल्डबर्ग सर तो मजा आ जाए। ड्रॉप किक लगाए सीना ने, सीना पिनफॉल तो नहीं हो पाएगा, तुम बेकार में ट्राई कर रहे हो। हैं भाई साहब पिनफॉल हो गया क्या आज तो भैया WWE 2K23 में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो मतलब होने ही नहीं चाहिए। बिल गोल्डबर्ग का पिनफॉल हो गया, वो भी कोई दो ही फिनिशर लगे होंगे अभी तक। अरे बिल गोल्डबर्ग से जाइए भी, द रॉक आ चुके हैं रिंग। केन पिट रहे थे पहले, अब द रॉक पिटने के लिए आ गए। द रॉक बोले मैं टीममेट हूँ, तुम पिटोगे तो मैं भी पिटूंगा। अब यार द रॉक तुम पिनफॉल मत, नहीं चलो केन ने बचाया। अच्छा अब अभी बिल गोल्डबर्ग का पिनफॉल हुआ तो अब तो केन बचाने नहीं आया। अच्छा केन अभी तक आए नहीं है एक बार भी फाइट करने। भाई साहब सीना एलिमिनेटेड, सीना एलिमिनेटेड बहुत जल्दी एलिमिनेट होगा सीना। द रॉक और केन बची है अब तो मैं 2-on-1 फाइट हो गए। बिल गोल्डबर्ग अभी तक सुस्त आ रहे हैं रिंग साइड पे। अब तो लेजनर तो भैया बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि लेजनर जीत पाए, लेकिन लेजनर तो लेजनर ही हैं, द बीस्ट हैं और वो फाइट को निकालना जानते हैं। इस मौके पे रिवर्सल कर दिया और पहला F5 आ चुका। केन एलिमिनेट ना हो जाए एक F5 में, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता। चलो बची हैं केन, एलिमिनेट नहीं हुए एटलीस्ट। रॉक भैया बचाओ, रॉक भैया बचाने भी नहीं आया। रॉक भैया बचाने क्यों नहीं आए तुम केन को। और वेलकम टू सुप्लेक्स सिटी केन द रेड मशीन, ये एलिमिनेट ना हो जाए। नहीं बचे हैं, पर पिनफॉल अब हो सकता है अगर द रॉक बचाने ना आए, लेकिन इस बार बचाने आए हैं क्योंकि इस बार उन्हें पता था कि इनका पिनफॉल हो जाएगा। और एक और ये अब गए, अब द रेड मशीन का पटाटा बाय बाय हो गया। लेकिन भाई साहब रिवर्सल कर दिया, बहुत सही मौके पर रिवर्सल किया केन ने। अगर और ये चोक स्लैम आ चुका है, ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट ना हो जाए। अब गए भाई साहब लेसनर एलिमिनेट हो गए। ये फाइट तो मुझे कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आई। टीम रोमन तो ऐसे एलिमिनेट हो गई जैसे नौसिखी हों बिल्कुल। उधर केवल कोई भी एक एलिमिनेशन के अलावा दूसरा एलिमिनेशन ही नहीं हुआ है बिल गोल्डबर्ग के अलावा। तो फाइट में अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए टाटा बाय बाय।